अब हमारे आका हमारे मुर्शिद सफी लाल का जिक्र है, तो सैकड़ों साल पहले मुर्शिद ने गली गली जाकर एक दर्स दिया था जो लोग भूल गए हैं, लेकिन हम अली वाले नहीं भूले। मुर्शिद ने गली गली जाकर बताया कि अली हक है, तो जो जो भी अली को हक मानता है मेरे साथ अली हक की सदा बुलंद करेगा। नामे मौला दोनों हाथ हवा में उठाते हुए, जो भी अली को हक मानता है वो अली हक की सदा बुलंद करेगा, जो चुप रहेगा मैं समझूंगा कि वो अली को हक नहीं मानता। अरे जी के नाते का इस्तेमाल करते हुए पहले हम अली से आखिरी मवाली तक अली हक अली हक अली हक अली हक तशरीह और तमहीद की जरूरत नहीं और वक्त भी नहीं है, क्योंकि मैंने कलाम ज्यादा पढ़ने थे, लेकिन रात का वक्त कुछ ऐसा है कि दूर से मेहमान तशरीफ फरमा है, उनको वापस भी जाना है, तो इसलिए एक या दो या ज्यादा से ज्यादा तीन कलाम पढ़ूंगा। तो कोशिश करिएगा गला मेरा साथ ना दे, आप मेरा साथ देते रहिएगा। तो अभी तक जो नारे की सदा से महरूम है, इंशाल्लाह बाबा जी इस रुबाई के बाद वो चुप नहीं रहेगा। करूंगा बात अदब की हुदूद के अंदर, अहले इल्म का मजमा है। करूंगा बात करूंगा बात करूंगा बात अदब की हुदूद के अंदर, के दीन बंद है जैसे दुरूद के अंदर। करूंगा बात अदब की हुदूद के अंदर, के दीन बंद है जैसे दुरूद के अंदर। अरे अली के नाम के नारे वही लगाता है, हलाल खून हो जिसके वजूद में। पाक सैयदों के कलाम से आगाज करूंगा, तो पाक सैयदों की बुलंद तरीन ज़ात पर बुलंद तरीन दुरूद फरमाइए। नरेन भाई सैयदा की शान बताई तो जा नहीं सकती, और चूंकि मेंबर का तकाजा है कि मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद को मनवाना है, खुद को नहीं मनवाना, तो हम तो बहसियत नौकर रहे हैं, तो शान सैयदा बताई तो जान नहीं सकती, लेकिन हमारे इतराज क्या, हमारा जो अकीदा है वो क्या बोलता है कि खालिक ने जिसे सदर किया अपने आप से। शान सैयदा है, खालिक ने जिसे सदर किया अपने आप से, फिर उसका एहतराम कराया है बाप से। खालिक ने जिसे सदर किया अपने आप से, फिर उसका एहतराम कराया है बाप से, और उठता था वो बतूल की आहट पे इसलिए मानूस उसके कान थे वहदत की चाप से। तू बड़ी सफी है फातिमा, मरहबा मरहबा मरहबा, तू बड़ी सफी है फातिमा, तू बड़ी सफी है सीने अली है फातिमा।
तू बड़ी सही है फातिमा, तू बड़ी सही है फातिमा, तू बड़ी सही है फातिमा। इख्तियार उनके बावजूद, इख्तियार उनके बावजूद चक्की पीस दी है फातिमा। तू बड़ी सही है फातिमा, तू बड़ी सही है फातिमा, तू बड़ी सही है फातिमा। सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी 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 है फातिमा। बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है। किनारे राह झूमने लगा, किनारे राह झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है। मैं नहीं जानता कि कौन कौन अकीदे वाला यहाँ पर है, लेकिन इस शेर के बाद इंशाल्लाह पता चलेगा। जी नौकर, नौकर, नौकर फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, के लाए राह झूमने लगा, लाए राह झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। बाबा जी सैयदा की शान क्या है कि मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं तू बड़ी सही है फातिमा, सही है फातिमा। मियां जी सुनिए नाम वाला नारायण भाई, तू बड़ी सही है फातिमा। कसम खुदा की इस मिस्रे में पूरी मन खबर की जान है, नाम वाला तवज्जो रखिएगा। तू बड़ी सखी है फातिमा, अहले इल्म का मजमा है, तू बड़ी सखी है फातिमा। नारायण भाई के सिंह को छोड़ मर्तबे को देख, सिंह को छोड़, सिंह को छोड़, सिंह को छोड़ मर्तबे को देख, नूह से बड़ी है फातिमा। हाँ 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 हाँ
किसी को छोड़ मरतबे को देख, सिर को छोड़ मरतबे को देख, नूह से बड़ी है फातिमा, तो बड़ी सखी है फातिमा, मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद को खुद जैसा समझते हैं, नाऊज़ बिल्लाह, उनके लिए फकत एक दलील काफी होगी मेरे हिसाब से। जो 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 नूरी और खाकी की पहचान भूल चुके हैं, नूरी और खाकी की पहचान भूल चुके हैं, उनके लिए फकत एक दलील मेरी तरफ से, दलील सखी है फातिमा के आए हैं पढ़ रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। ये ऐसी मतलबत है कि बीबी के फजाइल ऐसे हैं, बीबी के फजाइल सुनते रहो तो मसाइल समझ में आ जाते हैं। तो सैयदा की शान जो है क्या थी और सैयदा के साथ हुआ क्या गया, तो शान सुनिए मेरा मेहमान। बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा, के लाड में खदीजा कहती थी हो, लाड में खदीजा कहती थी, रब की लाड है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, लाड में खदीजा कहती थी की लाडली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। क्या तकाबुल उम्मत से हो, क्या तकाबुल उम्मत से, अरे मां रसूल की है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, भक्त के इमाम के लिए आग पर चढ़ी है फातिमा,
करते ही होंगे यकीन, हवाला दूंगा। तू बड़ी सखी है फातिमा, रोटी तेरे हाथ की पकी हो, रोटी तेरे हाथ की पकी, अर्श तक गई है फातिमा। तू बड़ी किस्मत में जो नहीं है वो मांगो चैन से, क्या है बसात झग में खुर्शीद की भला, क्या है बसात झग में खुर्शीद की भला, करते अता है सबको वो शाहे करबला, करते अता है
किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से, किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। एक मेरा दिल है कि मैं वो मनकबत जरूर पढ़ूं कि जब 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 बारहवीं हिज्जत का जहूर होगा तो कुछ तब्दीलियां आएंगी। क्या 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 कि जो जो जिस जिस लायक होगा उसे वहां वहां बिठाया जाएगा। अली का बेटा है, अदल करने वाले का बेटा है, तो सबसे पहला काम इमाम जमाना ने आकर कौन सा करना है और आगे से आगे काम कौन से करने हैं। इमाम जमाना की बुलंद तरीन जात पर बुलंद तरीन दुरूद सुनाएगा। जब मौला मेहदी आएंगे, 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 जब मौला जब माला मेहदी आएंगे, जलन भाई मेहदी आएंगे। सबसे पहला काम जो गाजी पे हक के सहारा है, ओ जो गाजी पे हक के सहारा है, कब्रों से उठाए जाएंगे। जब माला मेहदी आएंगे, जब माला मेहदी आएंगे, जब माला मेहदी काबे को सजाया जाएगा, बदले का जमाने काम से तैयारी जश्ने ईद गति इस तरह करेंगे वो आकर। जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला। हाथ जोड़ कर ये आपको हदिया कर रहा हूँ, कोई बोले ना बोले नामे वाला आप बोलिएगा मेरे साथ। आएंगे जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, कायम कायम की अदालत में एक दिन वो पेश सभी मुजरिम होंगे, सभी मुजरिम होंगे, वो पेश सभी मुजरिम होंगे, कायम की अदालत में एक दिन वो पेश सभी मुजरिम होंगे, सभी मुजरिम होंगे, वो पेश सभी मुजरिम होंगे। हर बार में मिंबर पे चढ़ते जो बुग़्ज़े अली ने बोलते थे, दोनों हाथ उठाते हुए हायदर 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 हाय। जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, कायम की अदालत में एक दिन वो पेश सभी मुजरिम होंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, जब
मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे। माधवी जितने हैं हाथ बुलाल करिएगा नामे वाला, जो जो भी माधवी है ये जुमला हर उस माधवी के लिए है। देखेगा जहां यूं अहले अज़ा रुतबा बढ़ाया जाएगा, रुतबा बढ़ाया जाएगा। देखेगा जहां यूं अहले अज़ा रुतबा बढ़ाया जाएगा, रुतबा बढ़ाया जाएगा। खातून कयामत का रोज़ा जब फिर से बनाया, जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी। हैदर की विलायत का मुनकिर, हैदर की विलायत का मुनकिर, तौहीद का मुनकिर होता है, जब मौला मेहदी आएंगे, 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 जब मौला मेहदी आएंगे। कुछ इब्ने अल अजल कुछ इब्ने आदम ऐसे हैं, आदम के अमल पर है बरहम, आदम के अमल पर है बरहम, आदम के अमल पर है बरहम। कुछ इब्ने आदम ऐसे हैं, आदम के अमल पर है बरहम, आदम के अमल पर है बरहम, आदम के अमल पर है बरहम। मस्जिद के आगे होते हुए जो देख नहीं सकते जब मौला मेहदी आएंगे, 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 जब मौला। क्या होगा कयामत का मंजर, कफार की दुनिया लरज़ेगी, उठेंगे लहद से मौला अली, फिर फौज में अपने बेटे की
जब मौला मेहदी आएंगे, 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 जब मौला मेहदी ये शेर मैं नहीं पढ़ रहा कि आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी तरफ से शेर है तमाम सामने के लिए। जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, जब मौला मेहदी आएंगे, नजदीक तकल्लुम है वो घड़ी 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 देखेंगे जब ये अहले नजर, जब मौला मेहदी आएंगे, 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 पढ़ेगा नाम मौला बुलंद आवाज में। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर जो दिल कर रहा है वो सुनाऊंगा, लेकिन अब जितने भी किराएदार मोमिनीन हैं उधर दामन फैलाएं, और जिनके पास खुद के घर है भी वो भी दामन फैलाएं, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो। कलाम वो है कि सैयदा का ऐसा मंजूर शुदा ये कलाम है, नालायक भाई मुझे मिंबर की कसम है ये कसीदा हर उस घर में भी चला है जो कलम को देखकर गली का रास्ता ही बदल देता था। सारे बैठे हुए सबने देखा है, बिस्मिल्लाह। तू सब ज़मालिक खालिक छा
अली वाले अली अली इसलिए ज्यादा करते हैं कि जबान नबी नबी कहने के लायक हो जाए। मवालिया ने हैदर कनाड का सबसे पहला काम क्या मिला Joe!
लेकिन कुछ लोग अलम से डरते हैं, उनके डरने की वजह बताने लगा हूँ।
से डरने की वजह, कसम खुदा की ये अब्बास के अलम की शबी है, शबी फरेरा है, कंजा है और डंडा है। लेकिन लोग फिर भी डरते हैं, उनके डरने की वजह बताने लगा हूं। नामे वाला तवज्जो रखिएगा। अली के बुक्स में कैसा नसीब फूट गया, जहन से सामने अकलो शौर छूट गया, और उनकी नस्ल में अब कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। लौला मेहरा बिगर हो रे,